एक बार फिर से किसानों ने दिल्ली सरकार को हिलाने की प्लानिंग तैयार कर ली है। आगामी चुनाव से पहले ही मोदी सरकार को घेरने का समय भी सही है, क्योंकि अब बहुत जल्द ही चुनाव होना है और इससे पहले ही सरकार को किसानों की बातों को मानना पड़ेगा। आमतौर पर किसानों की यही राय है। शायद किसानों को भी इसी समय का इंतजार था कि जब चुनाव आए तो वोट मांगने से पहले ही अपना हिसाब करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस पर भी सुरक्षा में चूक ना हो इसके लिए इंतजाम भी करना बड़ा मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि देश में किसी तरीके से माहौल खराब हो और भीड़ भाड़ बढ़े तो देश के बाहर के दुश्मनों को ऐसे समय का फायदा भी आसानी से उठाना आता है। सुरक्षा एजेंसियों ने आगाह किया है कि दिल्ली में किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास को घेरने की प्लानिंग में है। तकरीबन 2000 ट्रैक्टरों के माध्यम से 20,000 किसान ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में आतंकी इस समय का फायदा उठाने की फिराक में हो सकते हैं, लिहाजा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। इधर दिल्ली और हरियाणा बॉर्डरों पर एक बार फिर सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक बार फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। वजह है किसान। जी हां, किसानों के 13 फरवरी को प्रस्तावित दिल्ली चलो के ऐलान के बाद प्रशासन के साथ साथ सरकार की भी टेंशन बढ़ चुकी है। इसी के चलते गुरुग्राम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और तो और हरियाणा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं और अभेद्य सुरक्षा इंतजामों के बीच अलर्ट को देखते हुए गुरुग्राम दिल्ली, गुरुग्राम झज्जर और गुरुग्राम रेवाड़ी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी करने के इंतजाम किए जा रहे हैं और तो और बैरिकेडिंग भी व्यवस्था की जा रही है। इसे लेकर हरियाणा अंबाला के DCP अर्षदीप सिंह ने बताया कि किसान आंदोलन की वजह से हमने शंभू बॉर्डर को सील कर दिया है। किसान आंदोलन के चलते हुए हमने यहाँ पे बॉर्डर सील कर दिया है शंभू बॉर्डर को, और यहाँ पे जो है फोर्सेस तैनात हैं हमारी, और हमारे साथ RAF की फोर्सेस भी रहेगी, और हम उनको तो जब भी वो आएंगे तो हम उनको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इससे आगे ना जाएं, और बेसिकली उनको कोई परमिशन नहीं मिली इस चीज़ के लिए, और हम यही चाहेंगे कि वो पीसफुली उसको प्रोटेस्ट को ख़त्म करके वापस चले जाएं। यहाँ तक कि गुरुग्राम पुलिस सुरक्षा के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है ताकि कोई गलत पोस्ट से जिले का माहौल खराब न कर सके। इसके अलावा किसान नेताओं पर भी नजर रखी जा रही है। किसान आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर साइबर पुलिस 24 घंटे निगरानी रख रही है ताकि किसी गलत पोस्ट के जरिए माहौल न बिगड़े, और तो और बॉर्डर भी सील करने की तैयारी जोरों पर चल रही है ताकि किसानों को बॉर्डर पर ही रोका जा सके। आमतौर पर आतंकी ऐसे समय का इंतजार करते हैं कि जब प्रोटेस्ट हो तो उसी में वेश बदल कर अपने मंसूबों को अंजाम दिया जा सके और नाम आंदोलनकारियों का आ जाए। हालांकि बीते किसान आंदोलन के साथी रहे संयुक्त किसान मोर्चा यानी SKM इस आंदोलन में शामिल नहीं होने की अपील कर चुका है। यहां से जानकारी दी गई है कि हमारी प्लानिंग केवल भारत बंद की है, जिसके लिए हम देश के सभी बड़े हाईवे को 4 घंटे के लिए बंद करेंगे। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक SKM ने इसके लिए ऐलान किया है। इधर 12 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय से किसान नेता जगजीत सिंह दल्लीवाल और सरवन सिंह पंढीर मुलाकात कर बातचीत करेंगे। लिहाजा देखना होगा कि इस बातचीत में क्या रास्ता निकलता है। फिलहाल किसानों के इस प्रोटेस्ट को लेकर आपकी क्या राय है उसे कॉमेंट करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुँच सके।